नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस के द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी धर्मपुर उप निरीक्षक श्री कृष्ण सिंह मावई को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम गुरदीनपुरवा में किराना दुकान के आड़ में अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक एवं रेड कार्यवाही हेतु विशेष पुलिस टीम गठित कर ग्राम गुरदीन पूर्वा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे, जहां किराना की दुकान पर बैठा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पहले से ही सतर्क पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी कर दबोच लिया गया। पंचनामा तैयार कर किराना दुकान की तलाशी लेने पर दुकान के अंदर 4 पेटी अंग्रेजी गोवा विस्की शराब, प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर कुल शराब 36 लीटर कीमती करीब 22,000 रुपए एवं 2 पेटी बियर क्रेन, प्रत्येक पेटी में 24-24 केन कुल 24 लीटर कीमती करीब 6,240 रुपए का कुल शराब, अंग्रेजी गोवा विस्की एवं बियर कुल 60 लीटर कुल कीमती 28,240 रुपए की पाया गया। शराब रखने व बेचने के संबंध में वैध कागजात नहीं पाए जाने पर उक्त शराब एवं बियर जब्त कर आरोपी रितेश यादव उर्फ अग्गू पिता देवी दयाल यादव उम्र 32 साल निवासी गुरदीन पूर्वा के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।